बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। जानकारी के अनुसार मोहित कुमार पुत्र हरिशरण निवासी ग्राम सियावनी बुजुर्ग ने बताया कि वर्ष 2019 में उसके मकान के ऊपर से निकली हुई 11,000 की हाई टेंशन लाइन से हुए फॉल्ट की चपेट में आने से उसके भाई दीपक कुमार की मौत हो गई थी। उसके बाद से आज तक उसके द्वारा लगातार उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को शिकायती पत्र देने के बावजूद भी आज तक उसके मकान के ऊपर से निकली हुई हाई टेंशन विद्युत लाइन को नहीं हटाया गया है। मोहित ने बताया कि उसने तत्कालीन उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर को 22 अक्टूबर 2019 को एवं अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को 23 अक्टूबर 2019 को, इसके साथ ही सांसद झांसी ललितपुर एवं जिलाधिकारी झांसी को तहसील दिवस में 6 अक्टूबर 2020 को ज्ञापन दिया था और आज फिर एक बार मऊरानीपुर तहसील में उपजिलाधिकारी को अंकुर श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाए जाने की मांग की है। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहित कुमार सनो फरीचन हैरवार ग्राम सियावनी बुजुर्ग सुगंगा से रहने वाला हूँ। जिससे मैं सर यहाँ पर मेरे भैया हैं जो 11,000 लाइन छत से निकली हुई है तो उसकी उसका तार फॉल्ट हुआ, टूट के सीधे भाई में घाला, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। ये है 4 अक्टूबर 2019 की, दिन शुक्रवार का दिन था। आज तक कुछ नहीं हुआ, हमने सारे एसियन साहब को विज्ञापन दिया था जो हमने 23/10/2019 में दिया था। इसके बाद हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, वो 22/10/2019 को दिया था। सांसद जी को भी हमने ज्ञापन दिया था तो अब वहाँ, और इसके बाद हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, वो 6/10/2020 में दिया था। एसडीएम साहब को आज मैंने एसडीएम साहब को दिया है जो कि 2/2/2021 को पैतन पर दिया है, जिससे हर बार हमको आश्वासन मिलता है कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। क्या चाहते हो, किस तरह का काम चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर कि मेरे या मेरे गांव में कम से कम 4-5 लोग लाइट से ख़त्म हो चुके हैं पिछले साल में, तो मैं चाहता हूँ कि वो 11,000 लाइन हटवा दिया, जो घरों से गाँव में मकानों से लाइन निकली हुई है तो वो लाइन हट जाए और हमें कुछ सरकार से आर्थिक मदद मिल जाए ताकि हम कुछ अपने घर का भरण पोषण कर सकें।